आशुतोष, सबसे पहले आपकी फिल्म पे ही बात करते हैं। लगान एक पीरियड फिल्म है, कितनी तैयारी की थी आपने इस फिल्म को लेकर? काफ़ी सारी एक्चुअली। हमने पूरा रिसर्च किया उसका, उस पीरियड का, 1893 का, किताबों से, फिल्मों से, वीडियो मटेरियल से। नितिन देसाई जिन्होंने सेट्स किए हैं, भानु अथैया जी जिन्होंने कॉस्ट्यूम्स किए हैं, उनके साथ भी बैठ के, उनके भी जितने मटेरियल थे, बुक्स थे, उनसे सोर्सिंग करके एक ईरा, एक गुजरा ज़माना क्रिएट करने के लिए जितना वक्त और जितना वक्त लगता है उतना हमें लगा। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी ये पीरियड क्रिएट करते वक्त, सो इट्स बीन अ वेरी एंजॉयबल प्रोसेस। वैसे अगर फिल्म की शूटिंग की बात करें तो अमिर अपने आप में प्रोफेशनलिस्ट कहा जाते हैं। एक एक शॉट, एक एक फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होती है अमिर के लिए, और इस बार तो अमिर प्रोड्यूसर भी थे, तो काफ़ी मुश्किल आई होगी आपको उस दोनों सिचुएशन के साथ डील करना। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली ये एक मिथ है कि आमिर बहुत ज़्यादा इंटेंसली हर एस्पेक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो एक बार स्क्रिप्ट को अप्रूव कर लें उसके बाद वो पूरी छूट दे देते हैं। ही रिलाइज कम्प्लीटली ऑन द डायरेक्टर, ही पुट्स फुल फेथ इन द डायरेक्टर एज टू हाउ द फिल्म इज गोइंग टू बी मेड। Especially in my case, I would say someone of his status, a huge star that he is, with so many successes behind him, it could have been very easy for him to put a pressure on me, or you know, make sure that his suggestions really get forced down upon me. But he didn't do any of these things. I mean, he would just follow me blindly. So that was something which was very good, and I hope this will break the myth, because it's being unfair to even Amir when you tell him that in quotes ki bahut interfere karte hain ya director ko kaam nahi karne dete hain. I think these are very, should not put these accusations on him. वैसे क्या वजह क्या थी आपने जब ग्रेसी को लिया तो बहुत ग्रेसी को बहुत पीछे रखा गया था, ग्रेसी को सामने एक नहीं पेश किया, क्या वजह क्या थी, कुछ स्पेशल सोच के किया गया था ये? हाँ, उसकी इमेज थी, एक कैरेक्टर था डिंकी अमानत में, बट दैट शी हैड प्लेड इट वेरी वंडरफुली एंड इट हैड लेफ्ट अ काइंड ऑफ इम्प्रेशन इन द माइंड्स ऑडियंसेस कि डिंकी मीन्स दिस इज द पर्टिकुलर पर्सन दैट वी आर लुकिंग एट। बट व्हाट आई फेल्ट वाज इफ Gauri, the character of Lagan, had to stand as a character, had to breathe as a character. You needed to distance Gracie from this entire publicity blitzkrieg till the release of the film, because then it would help her disassociate herself from the character of Dinky. So this was the main intention of Amir aur Gracie ka pair kaise chal raha hai? Behtareen hai, bahut acha hai. They both suit each other wonderfully. Both their performances almost intermingle with each other. हालांकि एक्चुअली बहुत मुश्किल चीज़ यह है कि अवधी डायलेक्ट है फिल्म में, और उनको अवधी डायलेक्ट में ही सब कुछ परफॉर्मेंस करनी थी, लेकिन दोनों ने इतना ईजीली उस डायलेक्ट को अडॉप्ट कर लिया है कि इट्स जस्ट स्मूथ। आई मीन, यू डोंट फील द एफर्ट इन स्पीकिंग दोज लाइन्स। आशुतोष, अभी आपने अवधि की बात की, तो वो यही बात मैं जानना चाहता हूँ कि फिल्म में कहाँ अवधि टच, थोड़ा यूपी टच है, और जो आपने शूट किया है एक भुज में जो गुजरात को बिलोंग करता है, तो ये लोकेशन डिफ्रेंसिएशन क्यों किया गया था? नहीं, दरअसल क्या है, फिल्म में ऐसा वातावरण है जहाँ पे 2 साल से बारिश नहीं हुई है, और अगर इस साल नहीं हुई तो शायद अकाल पड़ सकता है। नाउ व्हेन यू से दैट, आपको एक टेरेन चाहिए जिसमें one look at the terrain and you'll know ki haan, this is a slightly, it's an agricultural piece of land, but it's not rained yet. So to have that blend, plus aur kahin bhi agar hum jate to shayad crowds ko hum control nahi kar pate. Bhuj mein hi ek aisa terrain mila which is not yet used. It looks like a very virgin location. It looks, has a very period feel to it, the kind of cattle is also found over there. So when we went to Bhuj, our intention was to use only the location, not show Bhuj as in Kutch or Gujarat. So, kyunki ye actual location Bhuj tha, to ek
it helps for the film to create that film location, which is Champaner. Film ke gaano par jaanna chahta hu ki sirf gaane usually jo Hindi film mein gaana dalne ke liye hi hote hain ki gaane waqai film ke sath chalte hain. Main kehta hu dono aap kar sakte hain. It depends on how your script is. Ya to aap aise gaane dal sakte hain jisme script ko aage le jaye, ya to aap aise bhi dal sakte hain jisme a song would come and just punctuate a particular sequence, prove as a relief point and get away. It depends on the director. I mean, I don't believe that, you know, a song necessarily has to take the screenplay forward and all that. It depends on how your script is moving. But in the case of Lagaan, what I've adopted is to take the screenplay forward, because there are so many characters, there are 22 characters. Har ek ki zindagi mein kuch kuch utar chadhav ho rahe hain. To har ek ko signify karne ke liye, to enhance their qualities much more, the songs have been used, which take their characters forward, which takes the story forward, which keeps the screenplay constantly moving. So basically the songs have emerged from the script. Rehman, Javed Akhtar, dono ek award winning team ho gayi hogi apni music ko lekar. To kafi acha sangeet nikla hua hoga. Ha, bahut hi acha sangeet nikla hai. Rehman sahab ki jo samajh hai of music on an overall level is, I think, tremendous. Not only has he, this is the first time that he has infused the music with extremely folk bass. He's also gone a lot of acoustic, he's used a lot of acoustic instruments in this. And he's come up with, there are a lot of British actors in the film, British characters. So there's a blend in the music of East and West, which is, on one side you have very earthy Indian percussions and rhythms, which intermingle with the Western classical. So that blend is very much important for Lagaan, which he has achieved very beautifully. Add to that Javed Saab's lyrics. Unhone aise lyrics likhe hain jo bahut zyada classic mode ke hain. Yani wo gaane ko film ke bhi aage le jaate hain. Agar aap gaane sirf gaano ke liye agar aap sunen, so they stand out like nuggets apart from the film. So he's blended Audhi dialect into the songs also, which is very important, because if the characters are speaking Audhi, then they need to sing Audhi lyrics also. So I think both of them have given the Lagaan album, as I may call it, a kind of very old world charm, extremely melodious and with great meaning. Ashutosh, now talking about you, pehla nasha bazi fir lagaan, ye jo film hai aapki, pehli do filmon se kafi ek bade canvas ki hai, kafi kuch involve hai is film mein, to ise lekar aap kitne prepared the, aur Amin ne aap par kis cheez ko lekar aap pe believe kiya tha is film ko lekar specially? Amir se mera rishta ye reh chuka hai ki pehla nasha ke baad jab maine bazi banana tay kiya, तो उसमें एक बहुत बड़ा कदम हम ये उठा रहे थे कि आमिर की इमेज चेंज कर रहे थे फ्रॉम लव बॉय इमेज टू एक्शन इमेज. एंड मैं मानता हूँ कि हम उस पूरे कोशिश में हम कामयाब हुए, लेकिन हमें उतनी सफलता नहीं मिली जितनी हमको मिलनी चाहिए थी. लगान में फिर से हम एक और बार एक इमेज चेंज स्लाइटली ये करने जा रहे हैं कि आमिर को हम पहली बार एज ए किसान देखेंगे, धोती में विद अ हेयर कट, एंड इट्स अ वेरी कम्प्लीटली डिफरेंट लुक टू इट. तो जब मैंने आमिर को यह कहानी सुनाई, पूरी डायलॉग स्क्रिप्ट, तब आमिर प्रिसाइजली जानता था मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था. इवन ही विद इन हिम हैड दिस अर्ज कॉन्स्टेंटली टू ट्राई आउट समथिंग डिफरेंट एज एन एक्टर. एंड लगान फॉर्म्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म फॉर हिम टू ट्राई आउट हिज this farmer kind of a rebellious farmer kind of a character. The decision that he would produce it came much later. That came by because we were thinking of 3-4 producers. We couldn't work that out. We realized that we need to definitely produce it ourselves. Agar hame hamari decisions khud lene hain aur hame kisi pe rely nahi hona hai, to bahut zaruri ki hum khud produce kare, jo humne kiya. हाँ आशुतोष, अगर मैं जानना चाहूँ आप अपने आप को एक अच्छे बेहतरीन डायरेक्टर समझते हैं एक एक्टर? बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है ये. मुझे लगता है कि मैं दोनों को थोड़ा बहुत कर लेता हूँ.
I will not say that I have yet excelled in direction or excelled in acting. I am yet trying to find my own. एक मैं अभी भी मेरी पोजीशन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ. मैंने अभी तक वो मकाम पाया नहीं है जो मुझे पाना है. शायद मैं बहुत जल्दी पा भी लूँ, उम्मीद यही है. बट कोशिश जारी है. इंडस्ट्री में आप एक्टिंग करने आए थे कि डायरेक्शन? एक्टिंग एक्टिंग करने आया था. तो फिर ये सडन एक्टिंग में अभी भी कर रहा हूँ. आई एम डूइंग अ फ्यू रोल्स. द लास्ट वन व्हिच आई डिड वाज इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ऑफ अ कॉप इन अ सीरीज कॉल्ड CID. जब लगान शुरू हुई तब मुझे वो इंटरवल वहाँ पे देना पड़ा फॉर इट. क्या पता शायद लगान के बाद मे बी स्क्रिप्ट लिखते लिखते मैं शायद CID वापस कर लूँ. आशुतोष, आखिरी सवाल आपसे. एक ही लगान के साथ एक और पीरियड फिल्म रिलीज हो रही है गदर. आपको लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को क्लैश करेंगे बिजनेस वाइज? बिजनेस वाइज डेफिनेटली मुझे लगता है कि क्लैश तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ऑडियंस थोड़ा डिवाइड हो जाएगा. देयर इज अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द ऑडियंस व्हिच विल फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स लगान, सर्टेन सेक्शन फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स गदर. लेकिन वो इनएविटेबल है. एक्चुअली दोनों को एक साथ रिलीज नहीं होना चाहिए था, बट अभी सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि दोनों के हाथ बंधे हुए हैं. आई मीन अदरवाइज वी वुड नॉट हैव बीन कमिंग ऑन द सेम डे. बट आई थिंक बोथ द फिल्म्स विल डू वेल. ये मेरा मानना है कि आई हैव अ बिलीफ दैट दोनों फिल्में चलेंगी.